वहीं पूर्व नौसेना ऑफिसर के साथ मारपीट के मामले में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी घटना की निंदा की। राजनाथ सिंह ने ट्वीट कर बताया कि रिटायर्ड नौसेना अधिकारी मदन शर्मा से उनकी बात हुई है। इस दौरान उन्होंने उनके स्वास्थ्य के बारे में हालचाल जाना। राजनाथ सिंह ने अपने इसी ट्वीट में आगे लिखा है कि पूर्व सैनिकों पर इस तरह के हमले पूरी तरह से अस्वीकार्य है और अपमानजनक है। उन्होंने पीड़ित पूर्व नौसेना अधिकारी के लिए जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। आपको बता दें कि शुक्रवार शाम को मुंबई में शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने नौसेना अधिकारी पर हमला किया था, क्योंकि उन्होंने उद्धव ठाकरे से जुड़ा एक कार्टून ट्वीट किया था। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं किस तरीके से शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पूर्व नौसेना अधिकारी मदन शर्मा के साथ जो घटना हुई है मुंबई में शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने उनके साथ हमला किया था, क्योंकि मदन शर्मा ने उद्धव ठाकरे, महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे से रिलेटेड एक कार्टून शेयर किया था। उसके बाद शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने मदन शर्मा के साथ बुरी तरीके से हमला किया था। वहीं चंडीगढ़ में सीएम कैप्टन ने स्मार्ट राशन कार्ड योजना को लॉन्च किया। इस योजना को जिले और ब्लॉक स्तर पर भी लागू किया जाएगा। इस दौरान कैप्टन सरकार में वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल बठिंडा में कार्यक्रम में मौजूद रहे। योजना के तहत पंजाब में करीब 35 लाख स्मार्ट राशन कार्ड जारी किए जाएंगे और इससे करीब प्रदेश के 1,41,00,000 लोगों को लाभ मिलेगा। आपको बता दें कि इस योजना का पहले नाम आटा दाल योजना था, जो अब स्मार्ट राशन कार्ड योजना रखा गया है। कोरोना काल में पंजाब सरकार की ये पहल लोगों के लिए कारगर साबित होगी। तो पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने स्मार्ट राशन कार्ड को जो है जारी किया है। इस योजना से 1 करोड़ से अधिक लोग लाभान्वित होंगे और इसके साथ साथ अन्य योजनाओं को भी जोड़ा जाएगा। 1,41,00,000 लोगों के कार्ड मिल रहे हैं। ये जो कार्ड थे, एक स्पेशल किस्म कार्ड, पहला था बूढ़े बूढ़े से राशन बंटवा रहे, कोई ना थी, कोई किसी का दर्जा थी, कोई कुछ का दर्जा थी, उसके लिए ना थी, कोई उसी चीज का दर्जा थी, जैसे दस हजार होगा। लेकिन हूँ इस कार्ड डाल तुसी कितों भी रह सकते, अपने पिंड राशन डेपो तो नाल के पिंड राशन डेपो तो किसी होर शहर किसी होर जिले जा के अपने एक कार्ड बन सकते, सिर्फ थोड़े वास्ते होएगा और फिर भी रह सकते। तो एक बड़ी मैं समझ रहा कि एक अजी चीज है जहाँ करप्शन या जिन्हें खेला फेरी होगी सी बिल्कुल खत्म हो गई। आपको 6 तस्वीरें दिखा रहे हैं जिसमें जैतो, गुरदासपुर, मानसा, नवांशहर, जालंधर, बठिंडा शामिल है। इस स्कीम से करीब 1,41,00,000 लोगों को लाभ मिलेगा। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड सेवा लागू करते हुए पंजाब में किसी भी राशन के डिपो में अनाज ले सकेंगे। बठिंडा में वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल ने स्कीम की शुरुआत करते हुए कहा कि पहले राशन डिपो को लेकर कई शिकायतें मिलती थी, जिसके मद्देनजर स्मार्ट कार्ड की शुरुआत की गई है। तो पंजाब सरकार की ये बड़ी पहल है, कोरोना के संकट काल में जनता को ये एक बड़ी सौगात मिली है। ये 6 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं मानसा, जैतो, नवांशहर, बठिंडा, जालंधर और गुरदासपुर की। इससे करीब 1 करोड़ से अधिक लोग लाभान्वित होंगे और